फैक्ट नंबर वन, गाइस मोबाइल फोन के बिना आज हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर सकते क्योंकि आदत ही ऐसी पड़ गई है। लेकिन इसी मोबाइल फोन से निकलने वाली रेडिएशन सेहत के लिए बेहद हानिकारक होती है। पर अब सवाल ये उठता है कि हमें ये कैसे पता लगेगा कि हमारा मोबाइल रेडिएशन छोड़ रहा है। तो गाइस ये पता करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन से *#07# डायल करना होगा। ये कोड डायल करते ही रेडिएशन से जुड़ी सारी जानकारी आपके फोन की स्क्रीन पर आ जाएगी। अगर आपके स्मार्टफोन का सार वैल्यू 1.6 वॉट प्रति किलोग्राम से ज्यादा है तो समझ लीजिएगा कि आपका मोबाइल फोन ज्यादा रेडिएशन छोड़ रहा है और आपको इसे तुरंत बदलने की जरूरत है। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ। फैक्ट नंबर टू, गाइस क्या आप जानते हैं कि रेड बुल कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं है बल्कि वो सिर्फ एक मार्केटिंग कंपनी है जो कि हर साल करोड़ों एनर्जी ड्रिंक्स को सिर्फ बेचती है। एक्चुअली रेड बुल एनर्जी ड्रिंक का सारा प्रोडक्शन एक रोच नाम की जूस कंपनी करती है और रेड बुल की रेसिपी भी कोई सीक्रेट रेसिपी नहीं है, कोई भी इसे बना सकता है और रेड बुल से सस्ते में बेच सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी रेड बुल इतना सक्सेसफुल है सिर्फ अपनी मार्केटिंग के दम पर। दरअसल रेड बुल अपनी कमाई का 35% अपनी मार्केटिंग में खर्च कर देता है जो कि दूसरी कंपनियों से कई गुना ज्यादा है और वो सिर्फ इसीलिए इतना पैसा खर्च करता है ताकि आप लोग रेड बुल के नाम पर एक ऐसी ड्रिंक खरीदते रहें जिसे वो बनाता तक नहीं है। क्या गजब दिमाग लगाया। फैक्ट नंबर थ्री, गाइज अगर आप 18 से 25 साल की उम्र के हैं या फिर इस उम्र में आने वाले हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। गाइज क्या आपको पता है कि 18 से 25 साल की उम्र में आपको कैसे लोगों के साथ रहना चाहिए? देखिए आपको ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनका जिंदगी में कुछ मकसद हो, जिनको आप हर समय मेहनत करते देखते हो, जो मुश्किल समय में आपका साथ ना छोड़ें, जिनसे आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आए, जो लोगों की नहीं बल्कि आइडियाज की बात करते हो, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो, जो आपको गलत राह पर ना जाने की सलाह देते हो और आपकी गलतियां सुधारते हो। फैक्ट नंबर फोर, गाइस इंडिया में 95% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करते। पर सवाल ये है कि इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इंडियंस शेयर मार्केट से डरते हैं? तो चलिए आज इसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इंडियंस को बचपन से ही स्कूल और कॉलेज में इसके बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता और इसी वजह से उन्हें शेयर मार्केट का कोई नॉलेज नहीं होता है। लोगों को लगता है कि शेयर मार्केट एक जुआ है और उनके सारे पैसे बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं और फिर हर कोई रिस्क फ्री लाइफ जीना चाहता है और इसी वजह से इंडियंस शेयर मार्केट से दूर भागते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर आपको अमीर बनना है और अपने पैसों से पैसे कमाने हैं तो रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा क्योंकि रिस्क है तो इश्क है। तो फैक्ट नंबर फाइव, चेहरे पर ग्लो लाना हो या फिर फिट रहना हो, दोनों ही चीजों के लिए हर कोई आपको ज्यादा पानी पीने की सलाह देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक्चुअली आपको कितना पानी पीना चाहिए या फिर आपके शरीर को कितने पानी की जरूरत है? नहीं ना? तो चलिए आज मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बताता हूँ। रोजाना कितना पानी पिए ये जानने के लिए सबसे पहले आप अपना वजन तोल लें और फिर जो भी वजन है आपका उसको 30 से डिवाइड कर दें। फिर जितनी संख्या आएगी उतने ही लीटर आपको दिन में पानी पीना है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपका वजन 60 किलो है तो उसको 30 से डिवाइड करने पर 2 आएगा, यानी कि दिन भर में आपको 2 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। गाइस ऐसी अमेजिंग हेल्थ टिप्स के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अब हमारे YouTube के वीडियोस YouTube से भी पहले देखें हमारी A2 ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, डाउनलोड राइट नाउ।